नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पन्नास खोके एकदम ओके, यानी कि शिंदे गुट के विधायकों के लिए 50 करोड़ एकदम ठीक है। जब से महाराष्ट्र में मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से 50 करोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। उद्धव गुट शिंदे गुट पर इस नारे के साथ लगातार हावी है। जहां एक तरफ सदन में महाराष्ट्र के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चेतावनी देते हुए दिखाई दिए कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अपनी मर्यादा में रहें, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में ही धक्का मुक्की के साथ, लात घूसों के साथ भारी बवाल किया गया। पहली बार सदन में शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायक आपस में भिड़ गए और ऐसा भिड़े कि एक ना छोड़ी। कैसा वीडियो सामने आया है महाराष्ट्र के सदन का, पहले वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि शिंदे गुट ने ऐसा क्या कर दिखाया कि जूते चलने तक की नौबत आ गई। पहले वीडियो देखिए, फिर मामला बताते हैं। गिरा जा रहा है तो कोई उठ नहीं पा रहा है, कहीं धक्का दिया जा रहा है, कहीं कॉलर पकड़ा जा रहा है। मीडिया भी मौजूद है, लेकिन मीडिया के माइक और मीडिया को भी इसी लपेटे में लिया जा रहा है। धक्का मुक्की है, भारी बवाल मचा हुआ है, लात घूंसे तक चल रहे हैं। उसी बीच पन्नास खोके का भी नारा लगाया जा रहा है। बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार विनोद जगदाले लिखते हैं कि विधान भवन की सीढ़ियों पर 50 खोके यानी कि 50 करोड़ के मुद्दे पर शिंदे, शिवसेना और एनसीपी के विधायक आपस में भिड़े, जमकर हुई धक्का मुक्की। कैसी धक्का मुक्की हुई है वो तो आप देख ही सकते हैं, सदन की सीढ़ियों का हाल आप देख ही सकते हैं कि कैसे आपस में ही एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं महाराष्ट्र के विधायक। इसी वीडियो को शेयर करते हुए सूर्य प्रताप सिंह है, आईएएस रिटायर्ड, वो भी लिखते हैं कि 50 खोके के नारे की बेइज्जती और जूतम पैजार बोनस में। कैसे हाल, क्या हाल है सदन का वो तो आप देख ही सकते हैं, और ये हाल क्यों हुआ है वो आपको बताते हैं। आप खबर देखिएगा, इसमें आज तक की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि 50 खोके एकदम ओके। नारेबाजी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के विधायक। वीडियो इसमें अंदर लिखा, वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है, खबर में लिखा हुआ है कि बवाल क्यों खड़ा हुआ वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जाने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन शिवसेना और सरकार में शामिल विधायकों के बीच रस्साकशी अभी भी जारी है। जैसा कि शिवसेना ने साफ साफ कह दिया था, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसीलिए लगातार नारेबाजी की जा रही है, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। तो जो ये नारा है, ये अब उद्धव जो शिंदे गुट है उसको चुभने लगा है, इसके चलते ये धक्का मुक्की हुई है। आप देखिएगा, इसमें खबर में लिखा हुआ है कि आज महाराष्ट्र की विधानसभा में एक अजीब गरीब नजारा देखने को मिला। मानसून सत्र के दौरान बुधवार को शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर शिंदे गुट के विधायक और बीजेपी विधायकों में पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन विधायकों ने कोविड में हुए भ्रष्टाचार और उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की उदासीनता के विरोध में नारे लगाए। नारों के बीच ऐसा क्या हुआ कि धक्का मुक्की हुई वो भी आपको बताते हैं। खबर में लिखा है कि उसी समय विपक्ष भी सीढ़ियों पर आकर जमकर नारेबाजी करने लगा। विपक्ष के विधायक हाथ में गाजर लेकर सत्ताधारियों को चिढ़ाने लगे।
पहली बार विधानसभा की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने भिड़ गए। इसके बाद उद्धव गुट के विधायक विधानसभा प्रांगण में शिंदे गुट के खिलाफ 50 खोके एक दमोके जैसी नारेबाजी करने लगे और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बता दें कि इस नारेबाजी को लेकर दोनों गुट के विधायकों के बीच पहले भी गर्मागर्म हालात बन चुके हैं। तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को सदन में मर्यादा ना लांघने की चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि ये जो बवाल है तब शुरू हो गया जब शिंदे गुट के विधायक भी आकर जमकर नारेबाजी करने लगे। हमने आपको पहले भी वीडियो दिखाया कि जब महाराष्ट्र में मानसून सत्र शुरू हुआ तो शुरुआत में ही उद्धव गुट के विधायक सदन में नारे लगाने लगे, 50 खोके एकदम ओके। वहां पर एकनाथ शिंदे समेत उनके विधायक मुस्कुराते हुए निकले। पहले तो मुस्कुराते हुए खिसियाती हंसी के साथ निकले, बेशर्मी भरी हंसी के साथ निकले। उसके बाद ये भी कहा कि चाहिए क्या कि तुमको भी 50 करोड़ चाहिए। उसके बाद खबरें सामने आई कि इनको बेशर्मी सवार है, एक तो लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं, ऊपर से इस तरह की बातें करते हैं, इस तरीके से मुस्कुराते हैं। तो ये जो 50 खोके एकदम ओके का जो नारा है ये एकनाथ शिंदे गुट के लिए, उनके विधायकों के लिए दुखती रथ बन चुका है, जिसको अच्छे से उद्धव गुट के विधायक पहचान चुके हैं। कभी आदित्य ठाकरे, कभी उनके विधायक सदन में लगातार इस नारे को लेकर नारेबाजी करते रहते हैं कि 50 खोके एकदम ओके। इस बार मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया जब शिंदे गुट के विधायकों ने भी आकर वापस से नारेबाजी करना शुरू कर दिया। तो कैसे मामला बिगड़ चुका है आप देख सकते हैं, धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ना, एक दूसरे के ऊपर गिरना, सब कुछ हो रहा है। और ये महाराष्ट्र के सदन का हाल है। जैसा कि शिवसेना ने साफ साफ कह दिया था, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया था कि चाहे जो भी कर लो, ईडी चला लो, सीबीआई चला लो, जिसकी रेड मारनी है मार लो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी और इसी लंबी लड़ाई के लिए जो नारा है इसको बुलंद किया जा रहा है, जिससे शिंदे गुट चिढ़ता है। और कितना चिढ़ता है ये आप देख सकते हैं कि एक नारे के ही चलते सदन में आपस में भिड़ गए हैं, धक्का मुक्की और लात घूंसे तक पर उतारू हो चुके हैं। क्या हाल है महाराष्ट्र के सदन का, क्या हाल हो चुका है महाराष्ट्र की सियासत का, कैसे शिवसेना हावी हो रही है, कैसे लगातार नारेबाजी हो रही है, आप वीडियो में और खबरों में देखते रहते हैं और इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या हाल हो चुका है और अब कैसे जो शिंदे गुट है इस पर कैसे उद्धव ठाकरे के विधायक जो हैं वो हावी होते जा रहे हैं और लगातार इस तरीके की नारेबाजी करके और भी ज़्यादा उनको और भी ज़्यादा चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, और भी ज़्यादा सबक सिखाने का काम कर रहे हैं कि 50 करोड़ में बिक तो गए हो लेकिन सरकार नहीं चला पाओगे। इस वीडियो पर, इस पूरी खबर पर और ये जो नारेबाजी की जा रही है, जो एक नारा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।